सीजीआई चंद्रचूड़ ने कोविड के बढ़ते संकट के बीच राहत भरा कैसा बड़ा फैसला किया। देश में एक बार फिर से कोरोना के आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए केस पुराने दिनों की यादें ताजा करने लगे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के भीतर ही देश में इस सीजन में रिकॉर्ड 4,435 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये पिछले 163 दिनों के आंकड़ों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। लिहाजा इन पॉजिटिव मरीजों के साथ देश में कुल कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23,091 तक पहुंच गई है। इस तरह के हालात के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने समय रहते एहतियाती कदम उठाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने तेजी से बढ़ते मामलों और उससे जुड़े खतरों को देखते हुए समय रहते ही वकीलों को बड़ी छूट दे दी है। जो छूट उन्होंने दी है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों को कोर्ट में वर्चुअली पेश होने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अखबारों की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर वकील अदालत के सामने वर्चुअली रूप से पेश होना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं, वे हाइब्रिड मोड में भी काम कर सकते हैं। इससे जुड़ा फैसला लेते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमने बढ़ते कोविड-19 मामलों पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट देखी, वकील हाइब्रिड मोड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन उपस्थित होना चाहते हैं तो हम आपको सुनेंगे, हाइब्रिड मोड चालू है और मुझे कई वकील ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कृपया स्वतंत्र महसूस करें। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 4,435 लोग संक्रमित मिले हैं। ये पिछले 163 दिनों के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा देश में कोरोना से होने वाली मौतों में भी तेजी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें केरल और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 4-4 मौतें हुई हैं, जबकि छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पुदुचेरी, कर्नाटक और राजस्थान में एक एक कोरोना संक्रमित मरीजों की जाने गई हैं। कोरोना के चलते आज तक जितनी मौतें हिंदुस्तान में हुई हैं, अगर उसके कुल आंकड़े की बात करें तो अब तक देश में 5,30,916 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 4 दिन के अंदर ही मौत की रफ्तार लगभग 200% बढ़ी हुई दर्ज की गई है। इस बीच 40 लोगों ने जान गंवाई। 1 अप्रैल को 5 लोगों की मौत हुई थी, 2 अप्रैल को 11 लोगों की मौत हुई थी, 3 अप्रैल को 9 लोग और 4 अप्रैल को 14 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।